जाएगा तो 25% जो जो टोकन होगा जिनका हम लेन देन करेंगे वो जला दिए जाएंगे। तो ब्लॉकचेन के अंदर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो टोकन है, ये टोकन जो है वो सप्लाई से, यानी कि ये सप्लाई से जो है वो हटा दिए जाएंगे, यानी कि जो सप्लाई है, जो संख्या है, वो टोकन्स की धीरे धीरे कम होती जाएगी। और यदि हम चक्र की बात, जीवन चक्र की बात करें, तो जीवन चक्र के अंदर जो टोकन के जीवन चक्र की बात करें तो 25% जो टोकन है वो जला दिए जाएंगे, उनकी आपूर्ति कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मांग है, जो डिमांड है, अब चूंकि अब हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और यहाँ पर हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जब हम लोग और आगे जाएंगे तो आने वाले समय के साथ हम और कम से कम मिलियन लोगों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, तो इससे क्या होगा? जो मांग है इन टोकन्स की बढ़ेगी। और जैसा कि रॉस ने कहा कि ये जो आइडेंटिटी चेक है, ये आइडेंटिटी चेक्स जो होंगे यहाँ पर, आप जो है वो समुदाय के माध्यम से होगा, तो जो आप डॉलर्स के माध्यम से आप अपनी पहचान नहीं बना सकते, तो ये जो डॉलर्स हैं केवल और केवल आप जो है इनसे टोकन्स का हस्तांतरण कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, इनका विनिमय कर सकते हैं। तो यहां पर तो जो कम आपूर्ति की वजह से और मांग की बढ़ती मांग की वजह से आप देखेंगे कि जो मूल्य है टोकन का वो बढ़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण है, और ये जो है ये सिद्धांतों के ऊपर बना हुआ है, ये जो है और हम किस ये प्रकार हम से हमारे देखेंगे कि विकास को हम देख पा रहे हैं, उसके आधार पे हमें लगता है कि बहुत शीघ्र हम लोग 1 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक 2025 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो संख्या है ये 2025 के अंत से पहले ही हम वहां तक पहुंच बना लेंगे। तो अभी तक हमने क्या उपलब्ध किया है? हमने जो पूर्ण रूप से ये ढांचा है इसको अंतिम प्रारूप दे दिया है, एक रूपरेखा दे दी है, और ये 50% आपका जो काम है ना यहाँ निपट जाता है। क्योंकि एक बार आपको पता होता है कि आपकी योजनाएं क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वहां तक जब आप पता लगा लेते हैं तो 50% आपका जो काम है वो पूरा हो जाता है। और मुझे लगता है ये चीज पहले से ही हमने तैयार कर ली है। हमने अल्फा संस्करण का निर्माण किया है, उसको शुरू किया है, और ये सोल बाउंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसका उपयोग हम स्टो बॉक्स डाओ के लिए कर रहे हैं, और ये डिसेंट्रलाइज्ड हमारा टोकनाइजेशन है। तो जितने भी लोग हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं उन सबके लिए इस चीज का निर्माण किया है। हमने पहले से इसको व्हाइट लिस्ट में शामिल कर दिया है, और केवल वो लोग जिनके पास सोल बाउंड आईडी होगा वो हमारे स्टॉक बॉक्स के अंतर्गत आएंगे। तो कोई किसी भी कंपनी में हमारे पास एक समुदाय हो सकता है लोगों का। और इसी प्रकार से हमने हमारे KYC और KYB भागीदारों का चयन कर लिया है। हमने हर प्रकार की जो जांच है अलग अलग दृष्टिकोण से उसे पूरा कर लिया है। हमने यहाँ पे जिस चीज का चयन किया है हमें आशा है ऐसी कि वो हमारे दीर्घकालिक भागीदार होने वाले हैं। लगातार उत्पाद प्रदर्शनों पे हम लोग लगातार कार्यक्रम काम कर रहे हैं, प्रस्तुतियों पे, और साथ ही हमारा अगला जो केंद्र बिंदु है जब हम संस्करण 1.0 के ऊपर काम करेंगे, तो ये जो उत्पाद का उद्घाटन होगा ये आप सबके लिए एक आमंत्रण है। आप सब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप बटन पे दबाकर स्वयं को स्थापित कर सकते हैं, अपनी एक पहचान का निर्माण हमारे साथ कर सकते हैं। तो ये एक मानक प्रणाली होगी जिस पे फिलहाल हम काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये भी कार्य जो है कतार में है। और इसी प्रकार से हमारी योजनाएं हैं उत्पाद उद्घाटन के लिए, इसी प्रकार से जो डिसेंट्रलाइज्ड टोकन सेटअप है डाओ इसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी शुरू कर रखी है। और हम लोग शीघ्र अतिशीघ्र ज्यादा से ज्यादा SBID को हम लोग लागू कर देंगे। और मुझे ये लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र इसे लागू करें। क्योंकि जब भी हम लागू करने के बारे में बात करते हैं, विनिमयों के बारे में बात करते हैं, तो ये पहले से होने बहुत जरूरी है। तो पहले की तरह हम लोग तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। हम लोग जो समुदाय का एक सामान्य मैदान है वहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि
जो पब्लिक क्राउड है ये वहाँ पे ज़रूर होगी, और साथ ही हम लोग यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज लिस्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही हमारे योजनाएं हैं कि हम लोग लाइव जाएं सेकेंडरी बाजार में Q2 में, Q1 के अंत में 2023 के अंत तक हमारी ये योजना है कि हम वहाँ तक पहुँचे। दीर्घकालिक हमारी और भी योजनाएं हैं, एक बार जब हम अंतिम प्रारूप दे देंगे टोकनीकरण को और भौतिक राजस्व को, भौतिक मुनाफों के बारे में हम लोग मूल्यांकन कर लेंगे, उसको अपने हिसाब से पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारी ये भी योजना है कि हम लोग तृतीय पक्ष रेवेन्यूज की ओर भी बढ़ना चाहते हैं, हमारे जितने भी भागीदार हैं, हमारे जितने भी लोग हैं उनके साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से हम नए जो प्रकार हैं SIT के उसको भी चालू करेंगे, तो इसके लिए जो हर जो इवो रिच समुदाय सदस्य होगा उनका अपना खुद का एक टोकन होगा। निर्भर करता है कि क्या शक्ति है, क्या क्षमता है इसकी, तो आपको ये भी सोचना होगा कि किस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो आपको लेने की आवश्यकता है। ये निर्भर करता है कि आप कितने सक्रिय हैं, उसी के अनुसार आपके पास अलग अलग प्रकार के टोकन होंगे, उसी के आधार पे आप वोटिंग भी कर पाएंगे। और 1,00,000 SBID हमारे साथ, मेरे को आशा है शीघ्र होंगी 2023 तक, और फिर आने वाले बाजार में मुझे लगता है कि ये और भी वास्तविक दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा नकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा, बल्कि ये योजनाएं हमारी वास्तविक होंगी, और ये निर्भर करता है आपके समर्थन पे। आपके समर्थन के आधार पे जरूर हम आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसे पूरी आशा है। कई सालों से हम लोग इस प्रणाली पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारी पुरानी प्रक्रियाएं हैं उसकी योग्यता को बनाते हुए हमने आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और रॉस यहाँ पे कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से आप कैसे अपनी भागीदारी पहली जो सेल लॉन्च है सभी परियोजनाओं के लिए वो कैसे कर सकते हैं। तो जो परियोजनाएं हैं उनके पीछे की कुछ विचारधाराएं होती हैं जिसको लागू किया जाता है, और फिर आप निवेश करते हैं और आशा रखते हैं, मानते हैं कि हाँ ये लागू होगा, और आपको इसके बारे में लगातार सोचना नहीं है। ये इस तरीके से हम पहुंच नहीं बनाते क्योंकि हमने पहले से ही जांच भी करी है, लागू भी किया है सोल बाउंड IT को हमारे इकोसिस्टम में, और जो हमारे सेल राउंड है उसके माध्यम से हम लोग विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम स्ट्रॉबॉक्स के साथ भी कर रहे हैं। हम कभी भी फंड रेज नहीं करते, और इसके अंदर हमने $1,000,000 को लगाया है अपने खुद की जेब से ताकि हम कंपनी का निर्माण कर सके, और फिलहाल हम 5 सालों से बाजार में अस्तित्व बनाए हुए हैं, और इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शून्य हमारे पास धन राशि है हमारे टेबल पे और निवेशों को लेके, क्यों? क्योंकि हमने सारा काम अपने खुद के पैसों से कर दिखाया है, और यही हमने इसी तरीके से पहुंच बनाई है बाजार में। इसी तरीके से हम सोल बाउंड के साथ भी करेंगे। ये ऐसे अवधारणा नहीं है जिसको किसी दिन हम लागू करेंगे, नहीं, ये एक ऐसी प्रौद्योगिकी है जिसकी जांच की गई है, जिसको हमने स्टॉप बॉक्स के साथ जोड़ दी है, और इस प्रौद्योगिकी के साथ हमने पहचानों के साथ, आइडेंटिटीज के साथ इसको जोड़ा है, और हमने हर चीज की जांच की है खुद के अपने पैसे से, अपने खुद की टीम के साथ, और उसी के साथ हम धीमे धीमे प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाते हुए और विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जीन कह रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को मैं यहां पूरा करना चाहता हूं हमारे निकटतम भविष्य को देखते हुए। तो अगर हम भव्य रूप से क्रिप्टो की स्वीकृति के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में भी समाचारों में आपको जानने को मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पे आपको लोगों से एक अफवाहें सुनने को मिलती है कि ये स्कैम है, वो स्कैम है, ये घोटाला है, वो घोटाला है, उसके बावजूद क्रिप्टो को कहीं ना कहीं लोगों ने उसको अपने लिए अपनाया है। कितने सारे व्यवसाय ऐसे हैं जो क्रिप्टो को अपनाते हैं और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, और भविष्य जो है वो क्रिप्टो की दुनिया का है, ये बात सच्ची है। तो इसी प्रकार से जैसा कि मैंने कई बारी पहले भी बताया है, ये भविष्य का एक प्रकार का रुझान होने वाला है, डिफाई रेगुलेशन। तो जो बाजार है वो विकसित भी हो रहा है, विनिमयित भी हो रहा है, और इसके चलते हमने समस्याएं भी देखी हैं। तो जितने भी विनिमय करता है वो ये कहते हैं, क्योंकि ये देखिए ये वित्तीय बाजार है,
और आप संपत्तियों के साथ बिना नियम और कानून के खेल नहीं सकते। तो बिल्कुल हम लोग विनिमय वातावरण के अंतर्गत रह के कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि क्रिप्टो को हर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा। बाकी अन्य प्रकार के NFT के साथ बाकी सिक्के भी हैं, वो भी अस्तित्व में रहेंगे। मैं इसके विपरीत कार्य नहीं सोच नहीं रखता हूँ, लेकिन जब बाजार के बारे में हम लोग बात करते हैं, विशेष रूप से जब हम वित्तीय बाजार के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें एक तरीके की रेखा को जरूर खींच लेना चाहिए और इन सभी को हमें क्रिप्टो का नाम नहीं देना चाहिए। जी हाँ, ये क्रिप्टोग्राफिक प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित जरूर है, लेकिन जो फिलहाल हमारे पास यहाँ पे है वो बिल्कुल अलग है, अलग प्रकार के ढांचों से, जो भी कर निर्धारणों के हैं या अलग प्रकार के जो ढांचे हैं। तो हम यहाँ पे एक उत्पाद के विकास को देख रहे हैं स्ट्रॉबॉक्स की तरफ से, जिसे स्ट्रॉबॉक्स एवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आज जो प्रत्येक व्यवसाय है वो लगभग 3 महीने की अवधि लेगा टोकनीकरण की तरफ बढ़ते हुए, यानी टोकनाइज होते हुए, और ज्यादातर जो समय है वो कानूनी ढांचे को विकसित करने में लगाया जाएगा। और ये जो भाग है इसको बहुत तीव्र गति से हम कर सकते हैं और इसके अंदर हमें सब्र को भी लागू करना होगा। लेकिन अगर हम प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें तो जो प्रौद्योगिकी है वो सेमी मैनुअल है और हमारी ये कोशिश है कि हम इसे स्वचालित बना सके। तो कोई भी जो व्यवसाय है जिसने भी अपनी आइडेंटिटी को वैलिडेट किया है वो डैशबोर्ड पे आके प्रक्रिया में हमारे साथ आके बढ़ सकते हैं और जो सिक्योरिटी टोकन इशुएंस है उसको जारी कर सकता है, कंप्लायंट होके हर तरीके से एक वातावरण का हिस्सा बन सकता है जो कि विनिमयित होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, और इसके हिसाब से धीमे धीमे आप एक प्रणाली का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार से हमने डैशबोर्ड का भी निर्माण किया है जिसके माध्यम से हम जो भी हमारी संपत्ति है उसको टोकनाइज करेंगे। और दोबारा से प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और जो प्रत्येक व्यवसाय है वो स्वयं को टोकनीकरण कर पाएगा सोमवार से शुक्रवार तक, जो कि बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है ये। और इसकी वजह से गुणात्मक वृद्धि होगी ग्राहकों की और साथ ही ये लोगों के लिए जो टोकनाइजेशन है उसको अनलॉक कर पाएगा मानवता के लिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ये जो रेगुलेटरी उत्पाद है, ये प्रोडक्ट्स जो है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कागज पे होने, और साथ ही हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी जोड़ रहे हैं, जहाँ पे आप एक एक पहेली